अपने विवादित बयानों के पहुंचने पहचाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। जी हां, आजम खान ने रामपुर में रविवार को देश के आरएसएस कार्यकर्ताओं को समलैंगिकता में लिप्त बताया और आजम खान ने समलैंगिकता के सवाल पर बोला कि ये तो आरएसएस वालों का काम है, इसी कारण से आरएसएस के लोग शादी भी नहीं करते हैं। साथ ही साथ आजम खान ने यह भी कहा कि उन्होंने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर भी निशाना साधा और आजम ने कहा कि अमिताभ ठाकुर को एक प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक तक कह डाला। जी हाँ, उन्होंने अमिताभ ठाकुर पर कई सवाल उठाए और उनको एक कलंक भी कह दिया है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर। साथ ही साथ आजम खान यहाँ भी नहीं रुके और उन्होंने कहा कि निलंबित आईजी अमिताभ ठाकुर रामपुर में आकर दंगा फसाद करवाना चाहता था और ठाकुर एक ओछी मानसिकता रखने वाला कलंकित इंसान है, उसे तो जेल में होना चाहिए ना कि खुला घूमना चाहिए। कहने का मतलब था कि समलैंगिकों को जो आजादी दिए जाने की बात है वो दे दी जानी चाहिए क्योंकि लाखों लोग। तो हम क्यों उनका ये मतलब समझे, ये मतलब क्यों समझे? जरूरी थोड़ी कि सारे लोग उनकी विचारधारा के आरएसएस के लोग तो होते ही ऐसे हैं। आरएसएस पर तो इल्जाम ही है पहले दिन से, इसीलिए शादी ब्याह नहीं करते। अब क्योंकि आपने नाम ही एक बेहुदा शख्स का ले दिया है तो अब बेहुदा आदमी की बात का क्या जवाब दिया जाए? वो खुद इंतहाई बेहुदा और कलंक है वो तो प्रशासनिक सेवाओं पर, जो आदमी इतने बड़े पद पर होने के बाद छिछोरी हरकतें करते हों। रामपुर में आकर उन्होंने दंगा फसाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत रामपुर के हालात खराब किए उन्होंने, ऐसे लोगों को तो जेलों में होना चाहिए।